अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टेट एंड स्टेट विद कम्युनिस्ट एंड मेन लो प्रोफाइल वर्ल्ड वॉर। हाउएवर ड्यूरिंग द कोल्ड वर्ल्ड वॉर एरा इज राइजिंग पावर ऑफ एशिया। इस कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद जो है चाइना जो है एक राइजिंग पावर बन गई एशिया की, जो एक राइजिंग पावर बन के उभरी। तो चाइना की इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी है कि अगर चाइना किसी के साथ जंग में भी है तो वो अपनी उस मुल्क के साथ कभी ट्रेड नहीं बंद करता, वो अपनी ट्रेड जारी रखता है। पीसफुल राइज टू फोकस ऑन द डिवेल्प इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी रिसोर्सेज। पीसफुल कॉन्ट्रोवर्सी विद अदर स्टेट्स ऑफ नॉन अरीना स्टेट्स। पॉलिसी इज कॉल्ड नॉन एज पलोसो एंड पैलेसाइन टू इंश्योर अ हारमोनियस वर्ल्ड विद द मल्टी पॉपुलेशन एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल ट्रेड। चाइना ने हमेशा जो है अपनी ट्रेड को जो है तरजीह दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है पाकिस्तान की पॉलिसी जो है डिस्कस करेंगे। बल्कि अभी वीडियो इतनी बड़ी नहीं हुई, इसी वीडियो में ही मैं आपको पाकिस्तान की जो है पॉलिसी डिस्कस करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी मुल्क की जो है मैं आपको फॉरेन पॉलिसीज बता दूँगा। देर हैव बीन फॉलोड अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट फेज में क्या आता है, 1972-1953। पाकिस्तान वाज अ न्यू नेचुरल स्टेट इन दिस फेज, बट इट्स सपोर्ट ऑफ फलस्तीन कश्मीर एंड मुस्लिम्स वन ऑल वाज स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन पॉलिसी। इवन देन $2 billion वर बोर्ड बाय यूएस इन दिस स्पेयर बेस्ड इन कोलोडाइन फॉरेन पॉलिसी टू मैनेज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस 1948 वार। पाकिस्तान कैप्ट ऑन नेगेटिव द परपेचुअल थ्रू इट्स फॉरेन पॉलिसी। हाउएवर द डिमाइस ऑफ क्यू 1943 एंड एसेंशियल ऑफ लियाकत अली खान बेयर मेजर सेट बैक टू द स्टेट। इसके बाद 1950 में आता है, ड्यूरिंग द फ्रेज ऑफ पाकिस्तान अलाउ विद यूएस साइन द ट्रीटी ऑफ सीटो 1954 एंड सेंटो इन 1955। सीटो सेंटो के बारे में आपने जो है पढ़ लेना है कि सीटो और सेंटो ट्रीटी क्या थी, जो 1954 में सीटो किया गया था और 1955 में सेंटो की ट्रीटी पास की गई थी। एक साल का फ़र्क है दोनों में। इसके बाद 1960s का इरा आ जाता है, द वर्ल्ड वार ऑफ 1965 विद इंडिया इन दिस प्लेस अंटिल यूएस टूवर्ड्स इंडस्ट्री रिजोल्व द ब्लसिंग इशू रिलेटेड पाकिस्तान विद चाइना होल्डिंग द फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग। फिर 1970s का इरा आ जाता है, आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान अंडर इन्फ्लुएंस राइज मेजर्स एंड राइज एक्सट्रीमिज्म। द फॉल ऑफ डार्क इन द दिसंबर 1971 एग्जैजुलेटिंग मेजर ग्रो ऑफ द स्टेट डोमिनेटिंग। द वॉर ऑफ सोवियत अगेंस्ट आल्सो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान मेक्स इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ ओपन फॉर अ वन ट्रेड। 1980s-1990 इट वाज द एरा ऑफ द एक्सट्रीमिज्म एंड पाकिस्तान फॉर इन द इसमें 1990 में जो एक्सट्रीमिज्म जो था बहुत बूस्ट किया गया था। पोस्ट 9/11 आफ्टर 9/11 दिस वाज प्रेडिजाइन शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुस्लिम हैज़ वन ऑफ द
lauded by Bush, Pakistan to be written a strong support US against terror and against the consequences. इसमें जो है 9/11 के बाद जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया था अगेंस्ट द टेरर, जो टेररिज्म अटैक्स थे 9/11 के बाद US जो था बहुत एक्टिव हो गया था, ड्रोन वगैरह भी काफ़ी किए थे, तो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट जो थे मारे थे ड्रोन से और काफ़ी ज़्यादा शहरी आबादी को भी नुकसान हुआ था। इसके बाद आने वाली वीडियोस में भाई आपको मैं जो है और भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसीज़ का बताऊंगा, तो इन टच रहिएगा साथ। बहुत शुक्रिया अभी के लिए, इतना ही, अल्लाह हाफिज़।